दुनिया वालों, ये नई स्कीम आ गई नोएडा के पास 6,564 हेक्टेयर की एरो सिटी बसाई जा रही है। इसमें बहुत कुछ बनेगा, स्कूल कॉलेज आदि बनेंगे। पैसे जोड़ लो, माल के लिए तैयारी कर लो। पैसे जोड़ोगे तभी ज़िंदगी बनेगी। अगर बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में जाओगे, ढाबों में जाओगे, हाईबाजी करोगे, कारें वारे खरीदोगे तो कुछ नहीं खरीद पाओगे। जो बंदा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लेता है और रेडी पे खड़े होकर 10 रुपए के छोले कुलचे खा लेता है, उसे टेंशन नहीं होती उसके जूते कैसे पहने हैं, कपड़े कैसे पहने हैं। मैं अरबपतियों से मिलता हूँ, देसी बंदे होते हैं। अभी देखा होगा आपने मुकेश अंबानी का माल का उद्घाटन, तो ऐसे ही 100 रुपये की शर्ट पहन के आ गया था वो। जो जितना हाई फाई बंदा होता है, देसी रहता है, उसका भाई मुकेश अंबानी हेलीकॉप्टर से दफ्तर जाता था, देखो उड़ गया हेलीकॉप्टर उसके। उसके भाई ने 1,000 करोड़ रुपये दिया, सिंगापुर में छुड़ा के लाया, नहीं तो उसको नंगा करके कूटती सिंगापुर की पुलिस। तो सिंपल बनो, पैसे जोड़ो, तभी आप ये स्कूल कॉलेज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खरीद पाओगे। ये यमुना विकास प्राधिकरण ने भी मंजूरी दे दी है। 241 का ये प्लान है, मास्टर प्लान। नोएडा एयरपोर्ट के पास एयर सिटी पॉलिस का विकास किया जाएगा। उधर जेवर के आगे गांव में चले जाओ कि ज़मीन मिलती है तो ले लो, क्योंकि जब दिल्ली का एयरपोर्ट बना था तो गुड़गांव में आग लग गई थी। तब गुड़गांव में जो 50 पैसे की ज़मीन थी 5 लाख रुपए हो गई है। DLF 2 में जाओ, 1 में जाओ, 3 में जाओ, 5 से 6 लाख रुपए गज का रेट है। और जो MG रोड के ऊपर है वहाँ 10 लाख रुपए गज का रेट है। एक एक दो दो रुपये गज होती थी ये एयरपोर्ट से पहले। घर में दादा परदादा हो तो उससे पूछना, दादाजी क्या रेट ली थी ज़मीन? वो बोलेगा, बेटे पूछो मत, अच्छे दिन थे, 1 रुपये मिल जाती थी। मेरी बात मान लो, पैसे जोड़ लो, ज़मीन खरीद लो। आज के डेट में जिसके पास ज़मीन है वही अमीर आदमी है, बाकी तो सब लल्लू लाल हैं, धक्के खाते घूमते रहते हैं। देखो जी, ये कह रहा है नया शहर बसेगा। नया शहर क्यों बसेगा? अब चाइना को पार करके आबादी में एक नंबर आ गए हैं। जितना यूपी बिहार नॉर्थ इंडिया का एरिया है, जैसे बच्चा जवान होता है उसका सपना होता है, उसका सपना क्या होता है? दिल्ली जाऊंगा, काम करूंगा, पैसे कमा के माँ के लिए कपड़े लेके आऊंगा, शॉल लेके आऊंगा। तो जितने भी ये राज्य हैं ज़्यादा पॉपुलेशन वाले, वो सारे दिल्ली भागते हैं। बंगाली वाले तो, वेस्ट बंगाल वाले तो कलकत्ता भाग जाते हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, ऊपर हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये पंजाब, हरियाणा, सब ये दिल्ली की तरफ दौड़ लगाते हैं। जैसे रोहनी में सब पंजाबी भरे पड़े हैं, हरियाणा पंजाब को रोहनी संभाल लेती है, यूपी वाले बेचारे जितने भाई लोग आते हैं उनको नोएडा, ग्रेटर नोएडा संभाल लेता है। तो ये एरिया बटा हुआ है, तो इधर ये बहुत ज़्यादा एरिया आ रहा है, पढ़ लो लिखा हुआ है, तो मोजी मौज है। इसमें सारा कुछ हाईटेक होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पता ही होगा कि जो शहर बसाया जाएगा उसके नीचे बड़े बड़े टैंक होंगे, तो जो पानी है उसके नीचे स्टोर किया जाएगा, उसी से आपके घरों में पानी आएगा लैटरिन बाथरूम के लिए। इसमें इनोवेशन सेंटर, टेक्निकल आईटी के ऑफिस, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, R&D सिटी, शॉपिंग सेंटर, वेयर हाउस, होटल, सिविल अपार्टमेंट, रिक्रिएशन ग्रीन, इंटरनेट हब, एयरपोर्ट के पास सारा कुछ होगा। स्वास्थ्य सुविधाएँ भी होंगी यहाँ पे, हॉस्पिटल होंगे दाएं दाएं। तो ये श्रीमान अरुण वीर सिंह, CEO यमुना प्राधिकरण नोएडा ने कहा है कि हम ये नया शहर बसाएंगे। तो भैया तैयारी कर लो, 2 पैसे या जोड़ के रखो ताकि आपके पास काम आए। ये यमुना प्राधिकरण के पास ये एरो सिटी बनेगी। भैया पैसे रख लो, मेरी बात मान लो, काम आएंगे। ये आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं है, आपके पोते पड़पोते मौज मारेंगे इस चीज़ पे। कहते हैं ना जी, लगाए पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए, लगाए पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए, कांटे खाए। ये आम के पेड़ है, लगा दो छोटे मोटे, गांव में चले जाओ, ज़मीन ढूंढ लो। अगर मदद चाहिए मुझे फ़ोन कर लो, मैं शशि भूषण गर्ग, बनियों का बेटा, आपका मित्र। फ़ोन नंबर 9873708642। आप धक्के खाओ, फिर मैं बाद में आपके साथ चलूँगा। जो पहले आप क्वारी कर लो रेट वेट की, किसानों से पूछ के, फिर उसके बाद डील करवा देंगे। हेरा फेरी कुछ नहीं है, सीधी पार्टी से बात है। हम डीलरों की तरह फाइल उठा के काम नहीं करते हैं। हम तो कहते पहले तुम खुद मगजमारी करो, फिर हमें लेके जाओ, हम डील करवा देंगे। दलाली का भी कोई टेंशन नहीं है, देनी दो, नहीं देनी मत दो, 0.5% दे दो, 25% दे दो, 0.25 कोई दिक्कत नहीं है। 1 करोड़ के पीछे हमें 2,500 दे दो, 25,000 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे की कोई मारामारी नहीं है, हम यारों के यार हैं, ठीक है जी। तो ये बात है, बाकी जब भी कोई डील करो तो ये सारी बातें पहले खोल लेनी चाहिए कि क्या दलाली लोगे, क्या ब्रोकरेज लोगे, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो।
ये बातें बड़ी सही होती हैं। कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।